गाइस, आज हम मानसून सीज़न में जो पांच डिसीज हैं, मलेरिया, वायरल फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, जॉइंटिस, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें से मलेरिया, वायरल फीवर, डेंगू ऑलरेडी बात कर चुका है इससे पहले वीडियोस में। अभी चिकनगुनिया के बारे में बात करेंगे। चिकनगुनिया कैसा आता है? चिकनगुनिया ये डेंगू का जैसा ही दिखती हैं। इसको एक बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, एक मॉस्किटो बाइट करने से ये बीमारी आती है। ये आने से क्या लक्षण हो सकता है? सीवियर जॉइंट पेन्स, ऑलमोस्ट एक दो हफ्ते तक रहता है। इसके अलावा हेडेक, मसल पेन, फैटिगू, नौजा, रैशेज़ भी आ सकता है। क्यों आता है ये चिकनगुनिया? ट्रांसमिटेड बाय ए बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एड्स अल्बोपिक्टस। एड्स अल्बोपिक्टस ये मॉस्किटो का नाम है। ये बाइट करने से इन्फेक्टेड पर्सन को, वो दूसरी नॉर्मल पर्सन को अगर बाइट किया तो ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसको कैसा प्रिवेंट करें? इसको कुछ फैक्टर्स है ये कंसिडर करने से, इसको इस्तेमाल करने से प्रिवेंट किया जा सकता है। डोर स्क्रीन टू कीप मॉस्किटोस अवे इस्तेमाल किया जा सकता है। बेड नेट्स मिलती हैं वो इस्तेमाल किया जा सकता है। फुल शर्ट्स, फुल पैंट्स इस्तेमाल करने से इसको रोका जा सकता है। इसके अलावा इंसेक्ट रिपेलेंट्स मिलती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये इन्फेक्शन आ गया उसको कैसा डिटेक्ट करें? इसके लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं जो लेबोरेटरी में, ये टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ जाके ब्लड देने से एक घंटे के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट भी मिल सकता है।